हेलो क्लास 12th, 11 सितंबर की क्लास में आज अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड चार्ज कंडक्टर। आवेश चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने एक प्लेट टाइप रॉड, एक समतल प्लेट, एक रॉड ली, ठीक है बेटा, और उस पर एक तरफ वाला हिस्सा माना हमने 1 और दूसरे टाइप वाला हिस्सा हमने कितना माना 2, ठीक। इस पर जो आपकी करंट डेंसिटी है सरफेस सरफेस डेंसिटी, इसे बोलते हैं बेटा पृष्ठ घनत्व। क्या बोलते हैं? पृष्ठ घनत्व, ठीक है, ध्यान समझिएगा। हमने क्या किया कि सबसे पहले एक स्मॉल लेंथ की एक प्लेन प्लेट ली, एक तरफ दे दिया पॉजिटिव चार्ज और दूसरी तरफ भी क्या दे दिया बेटा, पॉजिटिव। फर्स्ट वाले हिस्से को माना फर्स्ट और सेकंड वाले हिस्से को माना सेकंड। सरफेस डेंसिटी क्या होती है? जब किसी कंडक्टर को, प्लेन कंडक्टर को चार्ज कर देते हैं तो उससे सरफेस डेंसिटी आ जाती है। इसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका नाम क्या है बेटा, सिग्मा, ठीक। इसकी सरफेस डेंसिटी यानी पृष्ठ घनत्व सिग्मा, और इसकी भी कितनी होगी, सिग्मा, क्योंकि दोनों को चार्ज दे रहे हैं तो इसे चार्ज सरफेस डेंसिटी भी बोल सकते हैं, यानी आवेश पृष्ठ घनत्व भी बोला जा सकता है, आवेश पृष्ठ घनत्व, ठीक बेटा। अब अपन क्या करते हैं कि अगर यहाँ पर एक पॉइंट हमने मान लिया पी, इस पर E1 वेक्टर की वैल्यू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी पॉइंट पर E2 वेक्टर की वैल्यू कितनी लेंगे, दो पॉइंटों पे चेक करेंगे, एक फर्स्ट वाली प्लेट के लिए और एक सेकंड वाली प्लेट के लिए। तो जब फर्स्ट वाली प्लेट के लिए चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला E = सिग्मा अपॉन 2 ε0। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड परमिटिविटी ऑफ चार्जेस, तो उसका फॉर्मूला कितना होगा, E1 = सिग्मा अपॉन 2 ε0 इक्वेशन फर्स्ट, ठीक बेटा। अब अगर सेकंड प्लेट के लिए लिखें E2 = जो फर्स्ट प्लेट के लिए फॉर्मूला था, अब किसके लिए बेटा, सेकंड प्लेट के लिए, तो E2 = सिग्मा अपॉन 2 ε0 इक्वेशन। अब आप देखेंगे कि दोनों प्लेट से, फर्स्ट वाली प्लेट और सेकंड वाली प्लेट से, जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो डायरेक्शन है, जो दिशाएं हैं, दोनों की एक समान है कि नहीं है। जब एक समान है तो फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा, E = E1 वेक्टर प्लस में E2 वेक्टर। E की वैल्यू तो मालूम नहीं है, इसे क्या लिख सकते हैं, अगर वेक्टर बिना वेक्टर फॉर्म के लिखें तो E1 + E2, E ऐसे रहने, तो E1 की वैल्यू कितनी थी, सिग्मा अपॉन 2 ε0 प्लस में इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन 2 ε0। तो E = कितना आ जाएगा बेटा, एलसीएम कितना आएगा इसमें, 2 ε0, सिग्मा सिग्मा कितना हो जाएगा, 2 σ, तो 2 से 2 कैंसिल, E की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, सिग्मा अपॉन ε0, ठीक।